क्या आपको पता है कि प्लेन की जर्नी भी आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं लेती, यानी प्लेन से सफर करते वक्त भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे आरामदेह सफर किसका है, तो आप फौरन हवाई जहाज का नाम लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपका भ्रम दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में प्लेन से जुड़ी ऐसी वीडियोस आपको दिखाने जा रहे हैं कि बस इन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, प्लेन वर्सेस कार। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक प्लेन रनवे पर लैंड हो रहा है, लेकिन अचानक इसके सामने एक कार आ जाती है और प्लेन कार से टकरा जाता है। इनकी टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि प्लेन के पहिए तक टूट जाते हैं। जब कार के ड्राइवर को पकड़ा गया तो इसने कहा कि इसे पता ही नहीं था कि ये एक एयरपोर्ट है। नंबर टू, पर्शियन गुल्फ। दोस्तों, ये वीडियो सन 2003 में रिकॉर्ड हुई जब गुल्फ में रेत का तूफान आया था। ये प्लेन उस वक्त लैंडिंग से पहले यहाँ इस रेत के गुबार में फंस गया। इस आंधी की वजह से पायलट के सामने पल भर में ही अंधेरा छा गया। इस स्क्रीन विंडो पर भी रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। पायलट प्लेन को बस उड़ाए ही चला जा रहा था। इसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्लेन किस हिम्मत में जा रहा है। लेकिन उसके बाद प्लेन कहाँ जाकर लैंड हुआ, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल दोस्तों, धूल मिट्टी और रेत के बीच ये जहाज बिल्कुल रनवे के दरमियान में आकर लैंड हुआ, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। नंबर थ्री, पैरागुआ एयरपोर्ट। दोस्तों, ये हादसा साल 2019 का है, जब पैरागुआ एयरपोर्ट के रनवे पर तकरीबन 6 लोग काम कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, ये रोड के एक हिस्से को ठीक कर रहे थे, लेकिन अचानक इन्होंने नोटिस किया कि एक प्लेन तेजी से इनकी तरफ आ रहा है, जिसका अंदाजा इनको बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल ये आखिरी फ्लाइट के लैंड होने से पहले ही काम करने आए थे, पर इन्हें लगा कि मेंटेनेंस के लिए रनवे को बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पायलट ने होशियारी दिखाते हुए इन्हें क्रॉस करने के बाद ही पहियों को रनवे पर टच किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किस्मत से सभी लोग हिफाजत से बच गए। नंबर फोर, टोकोरुआ एयरफील्ड। इस एयरफील्ड पर साल 2017 में एक खौफनाक नज़ारा देखा गया। दरअसल एयरपोर्ट के रनवे पर एक प्राइवेट प्लेन लैंड करने वाला ही था कि अचानक इसके सामने बिल्कुल एक जैसा एक जेट प्लेन आ गया, जिसके बाद लैंडिंग करने वाले प्लेन के पायलट ने बड़ी ही चालाकी दिखाई और फौरन प्लेन को ऊपर खींच लिया। दोस्तों, आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मामला कितना करीबी था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो जाता। नंबर फाइव, प्लेन ऑन रनवे। दोस्तों, ये वीडियो साल 2006 का है, जब मौसम काफी खराब था। ऐसे में जब प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंड होने के लिए यहाँ पर आया, मौसम खराब होने की वजह से पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और जैसे ही हवाई जहाज के पहियों ने रनवे को छुआ तो ये प्लेन रनवे पर खिलौने की तरह उछलना शुरू हो गया। इस जहाज ने रनवे पर कई झटके लिए और तब जाकर सही हो पाया। ये तो गनीमत रही कि काफी झटके खाने के बाद भी ये प्लेन और इसके मुसाफिर महफूज थे। नंबर सिक्स, बार्सिलोना एयरपोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं साल 2014 की, जब बार्सिलोना के एक एयरपोर्ट पर बोइंग 767 प्लेन लैंड कर रहा था। प्लेन में 260 मुसाफिर थे। प्लेन बस लैंड करने ही वाला था कि अचानक इसके सामने अर्जेंटीना एयरलाइन का प्लेन आ गया। दोस्तों, यहाँ भी पायलट ने ऐसे ही हालात में ऐसी समझदारी दिखाई और प्लेन का लैंडिंग गियर फौरन ऑफ कर दिया और इसे ऊपर की तरफ खींच लिया। नंबर सेवन, चाइना एयरलाइंस 006। ये हादसा फरवरी 1985 का है, जब चाइना की एयरलाइन 006 ने लॉस एंजलिस में जाने के लिए उड़ान भरी तो इसने एक खतरनाक हादसे का सामना किया। दरअसल फ्लाइट उड़ने के 10 घंटे के बाद समंदर के ऊपर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए और ऐसे में पायलट का प्लेन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा। इंजन फेल हो जाने की सूरत में ये जहाज हवा में ही रुक गया और सीधा समंदर की तरफ गिरना शुरू हो गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस जहाज को
किसी ने आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया हो। जैसे ही इस जहाज ने बादलों को क्रॉस किया और समंदर की सतह से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर पहुंचा, तो अचानक एक मौजजा हुआ कि इंजन दोबारा शुरू हो गया। पायलट ने फौरन प्लेन को टर्न किया और जमीन के करीब पहुंचते ही प्लेन को महफूज तरीके से लैंड करवा गया। नंबर 8, कंटास 464। दोस्तों, ये हादसा अक्टूबर 2014 में सिडनी एयरपोर्ट पर कंटास 464 के साथ पेश आया। इस पूरे इलाके में भारी तूफान आ गया था। पायलट के पास आसमान में उड़ने के सिवा और लैंडिंग करने के लिए महफूज जगह ढूंढने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि मौसम भी काफी बिगड़ चुका था। लेकिन ऐसे ही आसमान में आखिर कितनी देर तक उड़ा जा सकता था, इसीलिए पायलट ने एक खतरनाक फैसला किया कि प्लेन को ऐसे ही लैंड किया जाएगा, क्योंकि इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नंबर 9, चाइना साउथर्न एयरलाइंस। फरवरी 2018 में साउथर्न चाइना एयरलाइंस के एक जहाज में किसी मुसाफिर के बैग में से एक पावर बैंक फट गया, जिससे जहाज में धुआं ही धुआं हो गया। फिर यहां पर स्प्रे और पानी फेंक कर इसे आग को बुझाया गया। नंबर 10, दोस्तों, इस अगली वीडियो में जब एक स्विस जहाज जॉर्जिया जा रहा था, तो अचानक इसके अंदर पता नहीं कहां से एक परिंदा उड़ने लगा, जिसे देखकर सभी हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, परिंदा तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस अगली वीडियो में तो जहाज के अंदर सांप एक साइड से निकल रहा था, जिसे देखकर तो लोग काफी खौफजदा हो गए। दोस्तों, आपके ख्याल से ये सांप आखिर कहां से आया, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये बुरा आदमी जो आप देख रहे हैं, ये भला मानस नहीं है, बल्कि इसने साथ बैठी लड़की को गंदे मजाक किए और गलत जगह पर टच किया। अब देखो कैसे मुंह छुपा रहा है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।